एलिफेंट हम लोग के लिए पोज बना रहे हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। यस, गुड मॉर्निंग। सो बस अब हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं अपने होटल से। यू ऑन कीप क्वाइट बेटा। और ब्रेकफास्ट करके हम अब सीधा दोबारा एलिफेंट कैंप जाएंगे। होपफुली अभी वो सब खुला हो, कल बंद था, क्लोज था दोबारा एलिफेंट कैंप। यू ऑन इधर आ बेटा। मेरे बेटे को कहीं एक जगह स्थिर नहीं रहता, पता नहीं देखिए उसमें क्या कर रहा है। यहाँ पे तो कल के व्लॉग में आपने देख ही लिया होगा, सांप वाप कहीं से भी निकल जाते हैं। भाई हम जंगल के बीचों बीच में हैं। ये भी कुछ कॉफ़ी प्लांटेशन का एरिया ही था जो क्लियर करके एक रिजॉर्ट बन गया है, और आसपास पूरे कॉफ़ी प्लांटेशन है। सो बस अब हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और देखिए दोनों पापा और बेटे पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। स्वप्निल और वो लोग भी आ चुके हैं, तो चलिए सीधा अब मिलते हैं हम लोग एलिफेंट कैंप पे आपसे। हम पहुंच गए हैं दोबारा एलिफेंट कैंप। यहाँ पे पानी बहुत नहीं है, लेकिन फिर भी वॉकिंग तो नहीं जा सकते, तो हम कैसे बोट्स पे जाना होगा। देखिए पीछे वहाँ एलिफेंट अभी नहा ही रहे हैं। हम भी वहाँ पहुँचे हैं अभी, तो पानी उतना नहीं है, और वहाँ पे थोड़े से पत्थर पत्थर है, तो उस पर से हम पैदल चल के जा सकते हैं। नहीं, वहाँ बोटिंग खत्म हो गया, वहाँ उठ गया, टिकट लेने तक वहाँ उठ गया। तो चलिए एडवेंचर ही चल रहा है, ये भी कुछ एडवेंचर से कम नहीं है। हमको नदी पार करके चलना है, दिखा तो देखो कैसे आधा आधा पानी में सब चल रहे हैं। ऐसे हमको भी जाना है। यहाँ पे वो एलिफेंट को बेदिंग कर रहे हैं, होपफुली हमारे बच्चे भी कर पाए वो एलिफेंट के साथ टाइम स्पेंड। वैसे ही बड़ी बड़ी वार्निंग साइन लिखी है कि कचरा मत करिए, गंदगी मत करिए, लेकिन देखिए यहाँ पे लोग हैं जो पढ़ लिख कर भी अनपढ़ बन जाते हैं, नेचर को भी गंदा करते हैं। करने से सब लोग ऐसे चप्पल निकाल ले रहे हैं, ये पत्थर पत्थर है जिसे अपने को चलना है। पानी में पैर करके मजा आ रहा है, लेकिन पर थोड़ा रिस्की भी है, कहीं पे पैर स्लिप भी हो गया ना तो सीधा पानी में जाएंगे, चोट लग सकती है। पानी गहरा नहीं है, इसलिए बच्चे को तो इन्होंने गोदी में ही ले लिया है, क्योंकि कब थोड़ा कहीं कहीं पे पैर नी लेंथ तक वाटर है। क्या लग रहा है युवान? पापा के ऊपर बैठ के आज पापा से सेवा करा रहे हैं बच्चे लोग। यहाँ पानी थोड़ा गमे से शूटिंग कर रहे हैं, यहाँ पानी ज़्यादा उधर है भैया। देखिए ऐसे इतना पानी बढ़ रहा है तो मैं शूटिंग बंद कर रही हूँ। युवान को भी उतार सकते हो, यहाँ पानी नहीं है ज़्यादा, स्टोन भी है। पता चला एलिफेंट लोग नहा के चले गए हमारे पहुँचने तक। देखिए उधर वो एलिफेंट नहा, खुद से चलने के चक्कर में ना देर हो रही है। यहाँ पे वो मस्ती कर करके आ रहा है, देखिए जंप कर करके। कम क्विकली युवान, कम क्विकली। पहुंच भी गए। बाद ये चट्टानों को चढ़ना है। यहाँ से आ जाओ, यहाँ से आ जाओ। ऊपर से शूज निकाल दिए तो युवान तो और डर्टी डर्टी बोल के पता नहीं फुल टाइम गोदी करेगा। अभी हमको वहां जाना है। पहुंच गए हैं कैंप में। ये पूरी नदी और इतनी पत्थर वाले रास्तों से गुजरते हुए, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था। और देखिए वहाँ पे वो जो एलिफेंट बेदिंग हो रही है, अभी हम भी कराएंगे होपफुली। चलो यहाँ से जाना है। हाँ या या वेलकम है। 42 देखिए भाई, लुक युवान, देखिए भाई ये एलिफेंट्स, देखिए आप इनके टस्क देखिए। इतना नजदीक से देखा ही नहीं है कभी। देखिए भाई, यू वॉन्ट टू टेक द ब्लेसिंग्स युवान? फीडिंग अस इज नॉट अलाउड आई गेस। आगे जाओ, आगे जाओ बेटा, आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ।
अरे ब्लेसिंग्स ले लो, एक्सक्यूज मी, लो पापा ही ले लिए ब्लेसिंग्स। सी सी हाउ इज डूइंग, कम ऑन टेक टेक इवन, देखो स्वापी अंकल भी किए, अरे ले लो, देखो ईरा ने भी किया, देखो ईरा ने भी किया, अरे युवान आप तो सुपर हीरो हो ना, सो रफ ना, गणपति लिया तो नहीं भाई, मैंने भी ले ली ब्लेसिंग्स, मेरा बेटा ना सही, क्या हैवी है, हैवी है। कैंप के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, कितने एलिफेंट्स हैं, क्या टाइमिंग्स है, सब कुछ यहाँ मेंशन है, यहाँ छोटे एलिफेंट्स हैं। आशीर्वाद तो हमने ले लिया गणपति जी का, बहुत ही ज़ोरदार आशीर्वाद मिला धप करके, और इतनी हैवी था ना उनका वो ट्रंक, और टेक्सचर भी ऐसा आप टच करो तो हम जैसे खुरदुरा खुरदुरा, जैसे सैक होता ना गोनी जैसा टेक्सचर था पूरा, और कड़क एकदम स्किन, रफ एंड टफ। ठीक से देख रहे हैं ये बेबी एलिफेंट इतना बड़ा लग रहा है। हाँ ईरा लुक एट हिम, ऐसे टर्न हो जाओ ना बेटा, और हमारे बच्चे हमको फोटोज क्लिक करने नहीं देते हैं, ध्यान कर रहे हैं क्योंकि हमने शूज रख दिए वहाँ, इतना ध्यान नहीं आया कि इतना पानी होगा। ये देखिए इतना बिग एलिफेंट है, अभी हम उसके पास, ये देखो एक एलिफेंट नाउ नाउ करके आ गया, सी ही इज गोइंग बैक नाउ, कम क्विकली अदरवाइज सब लोग चले जाएंगे, अपने को कुछ मिलेगा ही नहीं। इनको देखिए जरा, इनकी टस्क देखिए, लवली, इनसे कोई आशीर्वाद नहीं ले सकता हम बहुत, और भारी आशीर्वाद मिलेगा इनसे। तो फोटो देख करने चाहिए आप, हम लोग को ले पता नहीं, कोई एलिफेंट तो यहाँ दिख नहीं रहा है, अब देखिए मिलता है कि नहीं हमको वो चीज़। भी तो एलिफेंट्स के नहाने का टाइम हो गया है ख़त्म, अब अगर आएगा तो 11:30 को आएगा, तो अब बज रहे 10:30, तो हमको एक घंटा रुकना होगा, जो कि बहुत हमारे पास टाइम है नहीं, बिकॉज वी हैव टू रीच बैंगलोर ऑन टाइम, तो हम चल रहे हैं अब। चलिए, हर बार में हर चीज़ कवर नहीं होती अब फिर हमको ये नदी पार करके उतनी दूर जाना है। चलिए, तो हम तो आ गए हैं नदिया के पार, इंतजार हो रहा है स्वप्निल और ईरा लोगों का, और मेरा बेटा बहुत चंट है, उसको जा रहा है पानी में नहाने, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है क्योंकि बच्चे लोग नहा रहे हैं, अब देखिए पीछे, पर हम लोगों को जाना है, अभी मैं फिलहाल तो ये सब नहीं। लंच करने मैसूर आए हैं, युवान ने अपना मैंगो जूस पूरा फिनिश कर लिया है, थोड़ा मैंने निकाल के रहते ताकि रोटी से खिला दूं, और ये थाली देखिए, ये खा के तो और नहीं जाएगी। हाँ अच्छा ठीक, देखो युवान ने ना लॉलीपॉप भी लिया है ना, यम्मी, ईरा ने भी लिया है, दोनों ने मैंगो जूस खत्म कर दिया। सो फाइनली हम एयरपोर्ट पहुंच गए, मैं शूट नहीं ही लेकिन कट टू कट पहुंचे थे, जस्ट गेट्स क्लोज होने वाले थे बोर्डिंग का, मतलब लास्ट जो कॉल था, और हम लोग पहुंचे हैं, बहुत भाग भाग के हुआ है। चलिए मिलते हैं अब आपको एयरक्राफ्ट के अंदर। भाई हम फाइनली बैठ गए हैं अपने सीट्स पे, कैन सीट प्रॉपर्ली, इतनी भागम भागी की थी मैं क्या ही बताया, हम लोग को लगा कि आज तो फ्लाइट छूटने वाली, लेकिन मिल गई है ना। I want cookie. इनको बैठते ही पहले तो कहे बिग लाई चाहिए, बिग लाई नहीं, गुड इवनिंग, गुड नाइट ही है बेटा, गुड मॉर्निंग, कॉफी कुकीज, अभी बिग लाई नहीं तो ये हमको क्या खाना है, कुकीज। तो सब बंदोबस्त करके चलना पड़ता है, सो रखे हैं मैंने वो सब भी, अब जल्दी से जल्दी हम लोग घर पहुँचे। भाई सुबह 8 बजे से हम लोग निकले हैं, बहुत दूर था एक्चुअली, तो इसलिए वो बस हम लोग दोबारे फॉर एलिफेंट कैंप करके, हमने और कुछ नहीं करके क्योंकि ट्रैफिक बहुत था यहाँ पे, इलेक्शंस के रिजल्ट आउट हुए थे, तो ट्रैफिक रैलीज ये सब सब थी, सो इस वजह से वैसे भी हम कट टू कट ही पहुँचे थे। तो चलिए फिर अब मिलते हैं मुंबई। सो भाई अब हम बैंगलोर से अलविदा कर रहे हैं, अब आपको मिलेंगे मुंबई। लगता है मुंबई शहर रात में।
हम अब अपने घर। इस समय बज रहे हैं 12 घड़ी में भी और मेरी थक गए भाई। सुबह 8 बजे के हम लोग, सवा 8 बजे के आसपास हम लोग गाड़ी में बैठे थे, तब से हम ट्रैवल करे जा रहे। अब तब से थकान आ गई और सोना है। और एक तो कैसा ना आराम नहीं मिलता ना, वो हेक्टिक हो जाता है 6 घंटा ट्रैवलिंग, फिर फ्लाइट भी वैसे ही लगती है, नींद पूरी नहीं हो रही है, सो रहे हैं, उठ रहे, सो रहे, जैसे सो जा एकदम गहरी नींद में उठो सो जाओ ऐसे उठने का टाइम आ जा रहा था। अब जा रहे भैया, थोड़ा सा व्लॉग व्लॉग एडिट करके सोएंगे। सो आज का व्लॉग यहीं करते हैं खत्म, कहते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।